हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो गाइस हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में एसएससी सीजीएल 2019 थर्ड मार्च फर्स्ट शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को। आज डिस्कस करने वाले हैं हम थर्ड मार्च का ही जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, ये जो है एक सर्वे हुआ था जो एसएससी ट्यूब और एप्ट्रिक्स, शायद एप्ट्रिक्स है वो कोचिंग, तो उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो इजीएस्ट शिफ्ट बताई गई थी सारी शिफ्टों में, और जो सेकंड शिफ्ट आ रही है वो टफ शिफ्ट में से है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो प्लीज पिछली वीडियो भी जरूर देखें जो फर्स्ट शिफ्ट की थी। पहला क्वेश्चन है हमें कि एंटोनिम बताना है हमें। अब एंटोनिम बताने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। हिलेरियस, ठीक, हिलेरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली फनी, एक्सट्रीमली फनी। अब एक्सट्रीमली फनी है कोई, बहुत ज्यादा हास्यास्पद है, तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका सैड। बट इनके भी हमें मतलब पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यह है ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है, या फिर केयर फ्री। नीचे है मेरी। मेरी का मतलब होता है हैप्पी, और या फिर कह सकते हैं कि लाइटली ड्रंक होना चाहिए। ठीक है, स्लाइटली ड्रंक, और हैप्पी का मतलब हैप्पी ही होता है। ठीक है, तो एंटोनिम बताना था। एक्सट्रीमली फनी का मतलब सैड। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन था सिनोनिम्स आपको बताना था। तो वही बात, पैथेटिक का मतलब पता होगा तभी आप सिनोनिम्स बता पाएंगे। तो पैथेटिक का मतलब होता है कॉजिंग यू टू फील पिटी और सैडनेस, मतलब कुछ ऐसी चीज जो तुम्हें दुख की तरफ ले जाए, या फिर तुम्हें ऐसा फील हो कि आप मतलब दुख में हो, तो वो होता है पिटीफुल। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन इसमें मैच ही नहीं कर रहा। क्यूरियस मतलब आपको किसी चीज की जिज्ञासा है, डल मतलब कोई चीज में डल है वो। ठीक, नेक्स्ट है आपको एक मतलब फिलर से है ये। इट इज एन, और स्पेस दे रखा है डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। वो कौन सा दिन होता है जब आप कोई शुरुआत करते हैं किसी नई चीज की? तो वो एक ऑस्पिशियस डे होता है। ठीक है, और बाकी के जो वर्ड हैं उनका मतलब अगर हम देखें तो ऑडोसियस मतलब होता है विलिंग टू टेक रिस्क। क्या मतलब होता है इसका? विलिंग टू टेक रिस्क। ठीक है, ओमनियस का मतलब होता है सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गेटिंग टू हैपन, मतलब कुछ ऐसा किसी को बताना, सजेस्ट करना कि भैया गलत होने वाला है आगे। ठीक है, ओकेजनल का मतलब होता है कि कभी कभार जो होता हो कुछ भी। ठीक, नेक्स्ट है दिस इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। हमको इसमें इम्प्रूवमेंट देखना था, अगर इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो आंसर तो आपको दिख ही रहा है। डिग्रेड का सबसे पहले मतलब होता है किसी चीज में कमी होना। ठीक, और डिग्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है। ठीक है, दो बातें हो गई क्लियर, यानी कि इन वाला तो आएगा ही नहीं, तो ये तो सही है ही नहीं। दूसरी बात, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, यानी कि ये वाला हट गया। डेलिब्रेशन की बात अगर हम करें तो डेलिब्रेशन का मतलब होता है केयरफुली। ठीक है, और डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है मार्च करना, या फिर आप जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के सपोर्ट या अगेंस्ट में। ठीक, तो यहां पर क्या है, दिस इज अ ग्रेट वैल्यू इन मॉडर्न एज। तो किसी चीज की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, तो केवल ऑप्शन ए से ही हमें ये सेंटेंस सही कर पाएंगे। डिग्रेशन, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज। अगला क्वेश्चन है द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर। तो एरर जो है यहाँ पे आ गई, ये वाला पार्ट आपका पार्ट नंबर 3 है। एरर क्या होगी यहाँ पर? सेंस की जगह आपको प्लेजर
क्या लिखना है, सेंसुअल, सेंसुअल प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर जो है फिजिकली प्लेजर जो होता है, जो तो आजकल क्या है, आदमी इतना बिजी हो गया है कि वो उसको पता नहीं लग पा रहा है उसकी नीड क्या है, और उस नीड को पूरा करने करते वो ग्रीडी बन चुका है। ठीक है, इस पूरे सेंस जो सेंसुअल प्लेजर का मतलब ये होता है कि वो ग्रीडी बन चुका है अपनी नीड को पूरी पूरी करते करते। ठीक, नेक्स्ट है नरेशन से है, तो नरेशन से सबसे पहली चीज हमें क्वेश्चन मार्क है तो आस्क होना चाहिए, तो ये दो तो हमारे कैंसिल आउट हो गए, ठीक, एलिमिनेट हो गए, बचे दो आस्क। ठीक है, आस्क के बाद मी और यहाँ पर डेट और व्हाट दो एक साथ नहीं आएंगे, तो ये पैसे हट गया, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला है क्लोज टेस्ट कंप्रिहेंशन, मशीन वर मेड टू बी मैन सर्वेंट। ठीक है, मशीन ने क्या कर रखा है, आदमी को, लोगों को नौकर बना रखा है, येट मैन हैज ग्रोन सो ऑन लगा है। ठीक है, तो इन्फीरियर के बाद टू आता है, ये नहीं होगा, हेल्पलेस नहीं होगा, सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट के बाद ऑन नहीं आता, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब किसी पे निर्भर होना, तो क्या है अगर मैं इसका मीनिंग भी निकालूं तो डिपेंडेंट ही फिट होगा, वैसे अगर प्रीपोजिशन देखूं तो भी डिपेंडेंट आ रहा है। मैन हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम, मतलब जो मैन जो है, लोग जो है वो डिपेंडेंट होते जा रहे हैं उस पे, दैट दे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डिपेंडेंट इसमें साथ का दो। अगला है दैट दे आर इन फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर्स। ठीक है, उसका मास्टर्स बनने में, ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ लुकिंग आफ्टर वेटिंग। ठीक है, तो वेट ऑन या फिर अपॉन हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप एक्ट कर रहे हैं कैसा, एक अटेंडेंट जैसा, एक्ट एज अटेंडेंट। ठीक है, तो इसमें अपॉन जो है वो इस करेक्ट होगा, फ्रेजल वर्ब है वेट, वेट अपॉन और लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब होता है बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया था। ठीक है, मशीन आर वेरी स्टैम बॉसेस, दे मस्ट बी फेड। ठीक है, मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विद कोल, एंड यहां पर क्या आना चाहिए, वी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि गिवन जो होगा इसका सही होगा, गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद, एंड मस्ट बी केप्ट एट एन टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे होना चाहिए वो, तो ऑप्टिमम जो होगा वो इसका सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑप्टिमम का मतलब जो होता है वो होता है आइडियल, आइडियल या फिर आप कह सकते हो बेस्ट, जो होगा किसी भी चीज के लिए बेस्ट जो होगा वो होता है ऑप्टिमम। ठीक, बाकी आउटडेटेड का मतलब होता है कि जिसकी डेट निकल गई है, ऑप्शनल मतलब आपके पास दो चीजें हैं आपको एक चूज करना है। ठीक, आप ये भी रख सकते हो या वो भी रख सकते हो, ऑप्टिमस मतलब आशावादी। अगला है सिनोनिम्स, हमसे पूछा गया था, तो सबसे पहले पेनिटेंस का मतलब पता होना चाहिए, पेनिटेंस का जो मतलब होता है वो होता है फीलिंग और शोइंग सोरो एंड रिग्रेट फॉर हैविंग डन रॉन्ग, मतलब कुछ ऐसा फील होना या शो करना दुख के साथ कि आपने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, तो पेशेंस का मतलब सब्र होता है, एडमायरेशन का मतलब होता है किसी का आप क्या कर रहे हैं, प्रशंसा, प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, और मिजरी का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस। ठीक है, बहुत ज्यादा आप सॉरी अनहैप्पीनेस, ग्रेट अन हैप्पीनेस। ठीक, और जो लास्ट जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, यानी कि रिपेंटेंस, रिपेंटेंस का मतलब बिल्कुल सेम होता है जो पेनिटेंस का होता है, मतलब के फीलिंग और शोइंग सॉरो एंड रिग्रेट फॉर हैविंग डन रॉन्ग। ठीक है, अगला था इडियम ऑन शैंक्स मेयर, इसका मतलब होता है ऑन फूट। 14 नंबर है अ मैन इन नीड प्लीडिड फॉर हेल्प। ठीक, तो हमको इसमें इंप्रूवमेंट देखना था,
तो प्रॉमिस, तो जो मैन जो जरूरत में होगा वो प्रॉमिस करेगा, प्रॉमिस फॉर हेल्प, वो तो मांग रहा है किसी से मदद। कमांडेड क्या किसी से बोलेगा कि भाई मेरी हेल्प करो? जो जरूरत में होगा वो क्या करेगा, केवल केवल आस्क कर सकता है, ना तो कमांड करेगा ना किसी को प्रॉमिस करेगा कि मैं हेल्प करूंगा। और रिक्वेस्ट यहाँ पे आके फंसता है, हाँ रिक्वेस्ट कर सकता है, रिक्वेस्ट फॉर हेल्पिंग, बट प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब क्या होता है, टू आस्क समबडी फॉर समथिंग इन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस वे, ठीक है। तो प्लीडेड यहाँ मोस्ट सुटेबल रहेगा, प्लीडेड फॉर हेल्प यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर, हमको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना था, यानी कि गलत वाला बताना था। तीन सही दिए हैं ये और चौथा जो है वो ये गलत है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं क्या थी, OSTENTATION, ठीक है, यानी कि इसकी जगह, एस की जगह टी था, ऑस्टेंटेशन, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है डिस्प्ले करना, या कह सकते हैं शो, शोबाजी जो करते हैं, या फिर वल्गैरिटी, ठीक है। पर्सुएशन का मतलब होता है, मतलब एक रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल बिलीफ, क्या रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा, ठीक है, या फिर टाइम में हो, या फिर आप किसी भी चीज में, जैसे कि आपने ये बनाया फिर ये बाद में आपने बढ़ा दिया, तो ये क्या है, एक्सटेंशन है। या फिर आपको 5 महीने का टाइम दिया गया, फिर 1 महीना और आपको दे दिया गया, तो ये क्या हुआ, 1 महीना जो हुआ वो क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। मेंशन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा हाउस, अ वेरी लार्ज हाउस, जैसे कि हम कह सकते हैं हवेली, कोठी, ठीक है, भवन। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑस्टेंटेशन, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है जंबल से। तो जंबल में मैंने बताया था हमको करना क्या है कि जो ऑप्शन करेक्ट नहीं लगता है उसको एलिमिनेट करना है, मतलब उसको निकालना है, सही को नहीं ढूंढना है, गलत को ढूंढना है हमें। तो ए बी डी यानी कि सी वाला तो ये ऑप्शन यहां से तो बनना ही नहीं है, बचा डी और ए। डी में सो है, ठीक है, तो यहां से बनेगा नहीं, और ए में नेवर्थलेस है, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। तो किसी भी पैराग्राफ में जब अभी कुछ बताया नहीं है तो इन स्पाइट ऑफ से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये भी हट गया, यानी कि ये दो ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। स्टार्ट होगा बी वाले से, क्योंकि दोनों ऑप्शन बी बचे हैं, बी से। अ चेंज डेट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म एज प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस। बट सी है या डी है, सो तो आ नहीं सकता, यहाँ पर कोई चीज बताई गई है लेकिन उसके आगे बट लगा के ही हम आगे को बात को पूरी कर सकते हैं। जैसे कि ये बताया गया है जो चेंज है वो क्या है, कंड्यूसिव हैप्पीनेस है, वो प्रोग्रेस में बदल सकता है, बट कुछ लोग, डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो बी और सी एक साथ रहेंगे, और बी सी सी में ही है एक साथ, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा ईडियम से, अ स्नेक इन द ग्रेस ग्रास, ठीक है, अ सीक्रेट एनिमी होता है इसका, ग्रास के अंदर स्नेक छुपा हुआ है, तो क्या है, सीक्रेट एनिमी, काफी पुराना है और कई बार पूछा जा चुका है एसएससी में। अगला है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, तो ये होता है डिकेट, फोर्टनाइट होता है 2 वीक, ठीक है, सेंचुरी 100 और ये 1000 ईयर, ठीक। नेक्स्ट 19 नंबर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो ही और स्पेस है, हीनियस क्राइम, कोई भी क्राइम हुआ तो वो होता है कमिटेड, हमेशा कमिटेड यूज होगा क्राइम के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। तो ये तीन तो हमें दिख ही रहा है ऑप्शन से कि ये सही है, बाकी ये गलत दे रखा है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी सही, ये है पार्टिसल, ठीक है, पार्टी सेल, जो ए है वो इधर आएगा, ठीक है। पार्टिसल का मतलब होता है
बहुत छोटा सा अबिट, या फिर कह सकते हैं वेरी स्मॉल। ठीक है, एलिगेंट मतलब होता है हैविंग गुड और अट्रैक्टिव स्टाइल। ठीक, हैविंग गुड और अट्रैक्टिव स्टाइल। फ्लैशी का मतलब होता है अट्रैक्टिंग अटेंशन बाई वेरी बिग, ब्राइट और एक्सपेंसिव। यानी कि ये तीनों चीजें जिसमें हो वो क्या होता है, फ्लैशी होता है, किसी को अट्रैक्ट करता है अपने साइज और चमक या फिर अपने महंगेपन से, उसको बोलते हैं फ्लैशी। और फ्लेक्सिबल जो होता है वो सभी को पता हो कि एबल टू बैंड, मतलब जो आसानी से मुड़ सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है पैसिव वॉइस है, मैंने यहां देखा ये है पैसिव में ही, ऑलरेडी क्या है पैसिव में, क्योंकि बीइंग लगाया प्लस बी थ्री लगा है। तो ये सेंटेंस कौन सा है पास्ट कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ हैज है, यहाँ सिंपल में बना है सिंपल पास्ट में, यहाँ पास्ट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर चार, जो कि सही होगा। अगला है द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद अदर मिनिस्टर हैव, यहाँ पर क्या आएगा हैज, क्योंकि अलोंग विद के साथ जो पहले होता है सब्जेक्ट उसके हिसाब से वर्ब आती है। नेक्स्ट है वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, तो इसका होता है इमिग्रेंट, काफी पुराना, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एसएससी में। ठीक है, बाकी जो है वो टूरिस्ट जो होता है वो जगह जगह जो प्लेस पर घूमता है। ठीक है, अ पर्सन हु विजिट प्लेस फॉर प्लेजर, उसको टूरिस्ट बोलते हैं। ठीक, नेटिव क्या होता है, नेटिव वो होता है जहाँ से, मतलब एक तरीके का कनेक्शन, जहाँ आप पैदा हुए हैं, कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर यू वर बॉर्न और वेयर यू वर लिव्ड। ठीक, नेटिव उसे बोलते हैं। अगला है हमको एंटोनिम बताना, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। तो अपोजिट वर्ड तभी बता पाएंगे जब इस वर्ड का मतलब पता हो, यानी कि विशेष्यस का मतलब पता हो। तो इसका मतलब जो होता है वो होता है क्रूल से, मतलब कि खतरनाक। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी को हार्म करने के लिए कुछ किया गया हो। ठीक, तो उल्टा बताना है इसका। तो सिंफुल, तो ये वैसे लग रहा है मुझे नेगेटिव है, सिंफुल मतलब होता है आप कोई धर्म की कुछ डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर आपके धर्म में जो बोला गया है आप वो नहीं करते। इंग्लिश में अगर बोलें तो इसको ब्रेकिंग रिलीजियस लॉ। बेनिफुल होता है हार्मफुल। ठीक, बेनिफुल क्या होता है, हार्मफुल। और अनफॉर्चुनेट होता है आपका नॉट लकी, यानी कि आप लकी नहीं है, कहते नहीं कि अनफॉर्चुनेटली मैं रह गया 2 नंबर से या 3 नंबर से, नॉट लकी। और वर्चुअस जो होता है ये होता है बिहेविंग इन मोरली गुड वे। ठीक, तो इसका ये अपोजिट है वीसीएस का। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और शिफ्ट सेकंड का, यानी कि 3 मार्च शिफ्ट सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, जो कि जंबल से था। तो सबसे पहले करना क्या होता है हमें, के जो ऑप्शन नहीं हो सकते उनको हटाना होता है। तो कैन आई बोरो योर कैमरा, इससे स्टार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि ए वाला नहीं होगा। ठीक, फिर क्या है बी वाले में, देख सकते हैं आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक, क्या देगा ये, अभी तक हमने कोई बात ही नहीं की है, कुछ लेने की बात नहीं की, तो देने की बात कहां से कर देंगे। तो बी वाला भी नहीं होगा। बचे 2 ऑप्शन, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, मैं मतलब जंगल सफारी जा रहा हूँ टुमारो, कल जा रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या आएगा, डी दे रखा है और ए दे रखा है। तो डी, अगर ए की बात करूं तो आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, कैन आई बोरो योर कैमरा। ठीक, इसके बाद क्या आता है, माई फ्रेंड टोल्ड मी डेट जंगल इज ब्यूटिफुल इन दिस डे, आई विल। ठीक है, तो कैमरे की बात हुई है, कैमरा उसने बोरो करने के लिए बोला है, और जो आगे बात कहेगा कि मैं इसको आपको अगले हफ्ते दे दूंगा, यानी कि ये ए और बी जो है वो एक साथ होंगे। तो ए और बी केवल इसमें है, इसमें नहीं है, सी डी ए बी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें पता लग सके कि वीडियो किस तरीके से बन रही है, या अगर कोई कमी हो
या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि हम आने वाली वीडियो में उसका सुधार कर सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।